खाने में बेहद ही टेस्टी और देखने में सुंदर भिंडी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया 2 चम्मच तेल और भिंडी को धोकर पोंछकर और उसे मैंने साफ़ करके एक भिंडी के 2-2 पीसेस कर लिए हैं। और इस तेल में हम उसे थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हम इस भिंडी को 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए। अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और तब तक हम इस भिंडी को भून करके एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। अब फिर से इस कढ़ाई में डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल और इसके गर्म होने के बाद में इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। हम केवल 250 ग्राम भिंडी बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम मसाले डालेंगे। अब 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। इस सबको हमने और 1/2 चम्मच लाल मिर्च भी डाली है। इस सबको हमने 2 चम्मच दही में डाल करके इन बेसिक मसालों का पेस्ट बना करके जीरे में डाल दिया है। और यहाँ हम मसाले पहले डाल रहे हैं। आप देखेंगे कि हम मसाले को अब थोड़ा सा भूनने के बाद में इसमें हम फाइन चॉप्ड ओनियन डालेंगे, क्योंकि ओनियन को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। ये थोड़ी क्रंची ही रहती हैं तो अच्छी लगती हैं, फ्राई करने से ये सॉफ्ट हो जाती हैं, जो कि भिंडी में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब जब हमारा ये मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें फाइन चॉप्ड ओनियन डाल लेंगे। और इस ओनियन को हम 2-3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ में ही हम फ्राई करेंगे, ताकि हमारा सारा मसाला ओनियन में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी प्याज का मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। रखनी हमें अल्टीमेटली ये क्रंची ही हैं, हमें इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। अब ऐड कर रही हूँ 2 पिसे हुए टमाटर और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मसाले को हम थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे ताकि इसका कुछ मॉइस्चर कम हो जाए। इस प्रोसेस में करीब 2-3 मिनट हमें लग जाते हैं। और जब हमारा मसाला कंप्लीट तैयार हो गया तो हम इसमें जो हमने फ्राइड भिंडी हमारी रखी हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाले के साथ में हम इसे मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। और जब अच्छी तरह मसाला मिक्स हो जाएगा तो हम पैन के ढक्कन को ढक करके करीब 2 मिनट के लिए हम इसे ढक करके कुक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट भिंडी अच्छी नहीं लगती हैं। हमें इसे एक ऑप्टिमम स्टेज तक ही करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। अब हमारी भिंडी गल चुकी हैं। अब हम ढक्कन को उघाड़ करके इसमें डालेंगे मोटे मोटे कटे हुई प्याज और टमाटर। प्याज को हम कट करके बड़े बड़े पीसेस कट करके उन्हें अलग अलग कर लेंगे। और उसके बाद में टमाटर को भी हम बड़े बड़े पीस काटेंगे और उसके बीज वगैरह हम निकाल लेंगे और उसे पहले ही हमने जब मसाला तैयार किया था उसमें हम डाल सकते हैं। और इन्हें डाल करके थोड़ी देर हम चलाएंगे। अब आप इन्हें चाहें तो ढक करके थोड़ी सी देर कुक कर लें या इसे आप उघाड़ कर ही चला लें। और ये रेड और वाइट कलर के ओनियन और टोमेटो हमारी भिंडी में 4 चांद लगा रहा है बस, और देखते ही खाने का मन कर रहा है। भिंडी हमारी तैयार होने वाली हैं। अब आप इसे दाल के साथ, सब्जी के साथ जब सर्व करेंगे तो रेसिपी डेफिनेटली सब पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक करें और हेल्दी कुकिंग को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़ बताएं कि आपने पहले कभी इस तरह से भिंडी बनाई है या नहीं।